समय के बाद राजा दुर्योधन के दरबार में भगवान कन्हैया शांति दूत बन के गे रहे रागी। भगवान कन्हैया जाकर राजा दुर्योधन ल कहे, दुर्योधन जो उन देश में गंगा जमुना के निर्मल पानी बहते, वो देश में खून के नदियां पांडव बहाना नहीं चाहते ते कर सती। अरे पांच ग्राम पांडव कहाँ दिए, प्रेम करना चाहिए तो राजा दुर्योधन सूजी अग्र दैन नहीं चहेउ, कर्व वचन था कुरुपति कहेउ, सूजी के नोक के समान भूमि देना नहीं चाहत रहे, और कहिस का बोले मांगे ले भीख मिलते, अधिकार युद्ध के बिना नहीं मिले करके भुजा मरो रे सुन के भगवान कन्हैया ओकर घर के सत्ता के उन्माद के कारण भोजन ला त्याग के विदुर के घर में आए। तो वो दिन विदुर है जमुना नहाए बर गे रहे रागी, ओकर पत्नी विदुरानी है रहे, कन्हैया जाके कहे विदुर, तो महारानी विदुरानी के कहने मैं कन्हैया देवी आयावो कहीं के कहना लागी। तो ठाकुर जी के भोग पर रागी चार ठन केला रखे रहे। कन्हैया मैं गरीबी आदमी एक खा लो भैया। तो भगवान की छदाई बोला महतारी के हाथ में खाए में ज्यादा अच्छा लगते, ही मोला खवा दे। तो पारा सरी है केला छिलिस रागी और गुदल फेंक दिस और छिलकल खावो कहके कहना लागी। खाऊं तो बात है बिगड़ जाए, गपा गप छिलकल खावत रहे। भगवान सोचा दूसरैया केला छिल ही तो जरूर गुदा खवाही, ओकरो गुदल फेंक दिस और छिलकल खा ले कहे भगवान की तो बहुनी बिगड़े है के। चारों केला छिले है रागी, एको ठन के गुदा नहीं खवाई, छिलकल भगवान ल खवाए लगी। इस काबर प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। यही भाव से देख के विदुर आके देखे पारा सरी मुर्गर भगवान आगे का खबा है केला खबा तो कैसे गुदा है। गुदा कैसे आई हाय तोला में का खबा डर कन्हैया, भगवान की तक कौन जानू का खबा है, मतलब पता नहीं गुरतुर गुरतुर लागत रहिस। विदुर मैं तो महारानी के हाथ से खा डरे हूँ, ते मुला खवा दे। कराही के भाजी ला लेके विदुर है जब आए और गपा गप जब खाए लगी तो भगवान कहे विदुर कहे जय हो सौरी के बोई सुधामा के तांदूर।